राष्ट्रीय में अगली खबर ओडिशा से है, जहां तितली के दस्तक देने के बाद राज्य में जान माल का भारी नुकसान हुआ। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और गुरुवार को तितली ने दस्तक दी, जिसका असर आसपास के राज्यों में भी पड़ा। चक्रवाती तूफान तितली के बाद राज्य में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश से दुरस्त इलाकों का संपर्क टूट चुका है। गंजम, रायगढ़ और गजपति जिलों में स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। तो चक्रवात तूफान की चपेट में आए राज्य में राहत और बचाव कार्य भी जारी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ ग्रस्त गंजाम, गजपति और रायगढ़ जिलों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। भारतीय नौसेना ड्राइविंग टीम का गंजम जिले के अक्सा गांव में बचाव कार्य जारी है। दो नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर गंजम और गजपति जिलों में लोगों को खाने की सामग्री प्रदान कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। गजपति जिले की बात करें तो चक्रवात के कारण सबसे ज्यादा नुकसान वहां हुआ है। पेड़ उखड़ चुके हैं और इसकी वजह से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि चक्रवाती तूफान तितली के कारण राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मारा तो ये भी जा रहा है कि बंगाल में बारिश के कारण दुर्गा पूजा की तैयारियों पर भी काफी असर पड़ सकता है। तितली बुधवार को बंगाल की खाड़ी के पास काफी खतरनाक चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है और ये ओडिशा आंध्र प्रदेश की तट की ओर भी बढ़ रहा है। Once we've done a detailed research into this, then we'll decide how much to ask for. Yes, I've heard of the landslide. We're awaiting a detailed report. My deepest condolences to the families of those who perished in this tragic incident.